76 for 6. That has been a brilliant finish to the Mumbai Indians. No, bowled him. Excellent 50, 5 of them in the tournament. Kishan's the man down. Two super overs in the same day in the IPL. IPL यानी रोमांच का महासागर, इसमें जोश है, जुनून है, जज्बा है, आस्था है। IPL रोमांच का दूसरा नाम है, इसका हर मैच में रोमांच की नई गहराइयों में ले जाता है। जब हमें ये लगने लगता है कि अब इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता, तभी कुछ ऐसा होता है जो हमें एक बार फिर से चौंका जाता है। आज हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं, वो एक ऐसा मैच था जिसमें रोमांच अपने चरम पर था, लोगों के दिलों में जोश उबाल मार रहा था, हर किसी के दिलों की धड़कने बुलेट से भी तेज रफ्तार से धकधका रही थी। और शाम न जाने कितनों ने दांतों से ही अपने नाखून कुतर डाले, तो कितनों ने सर के बाल नोच डाले। हम बात कर रहे हैं IPL के 2020 सीजन में हुए मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच हुए लीग मैच की। इस मैच में दोनों टीमों ने लड़ने और हार न मानने का जो जज्बा दिखाया, वो क्रिकेट के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं देखा गया। असल में यह मैच टाई हुआ था और विकेट का फैसला हुआ था सुपर ओवर से, और यहाँ सुपर ओवर भी एक नहीं बल्कि दो। जी हाँ, IPL के इतिहास का पहला और इकलौता ऐसा मैच जिसमें दो दो सुपर ओवर खेले गए। आखिर कैसे वो मैच बना IPL इतिहास का सबसे रोमांचक मैच, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। Shot. Wow! That's smashed! नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 18 अक्टूबर 2020 IPL का 13वां सीजन, लीग स्टेज का 36वां मैच, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई। आमने सामने थी अब तक चार बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और अपने पहले IPL खिताब के लिए तरस रही किंग्स इलेवन पंजाब। जहां मुंबई लगातार 5 मैच जीत कर ये मैच खेलने मैदान पर उतरी थी, वहीं पंजाब इससे ठीक पहले वाले मैच को छोड़कर लगातार 5 मैच हार चुकी थी। मुंबई इंडियंस के फैंस का जोश जहां उफान मार रहा था, वो मैच से पहले ही अपनी टीम की जीत तय मान बैठे थे। वहीं पंजाब के फैंस अपनी टीम से खासे नाराज थे, उन्हें टीम से ऐसी घटिया परफॉर्मेंस की उम्मीद कतई नहीं थी। लेकिन असली फैन वही है जो हर मोड़ पर अपनी टीम का साथ है। पंजाब के फैंस भी यही कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी टीम से किसी चमत्कार की आस लगा रखी थी। टॉस मुंबई इंडियंस ने जीता। क्रीज पर रोहित शर्मा और डिकॉक पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। फैंस रोहित से एक धमाकेदार पारी की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रोहित महज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद आए सूर्य कुमार यादव बिना कोई खाता खोले, यानी डक ही चलते बने। हाल ही में सूर्य कुमार यादव गोल्डन डक के चलते ही चर्चा में भी रहे थे। इसके बाद बैटिंग के लिए आए ईशान किशन भी 7 रन बनाकर विदा हो गए। उन्हें भी अर्शदीप सिंह ने ही अपना निशाना बनाया। 5.1 ओवर्स में मुंबई का स्कोर था 38 रन पर 3 विकेट। ऐसे वक्त में मुंबई की पारी संभालने क्रीज पर आए कृणाल पांड्या। डिकॉक और कृणाल ने मुंबई को काफी हद तक संभाला समारा भी, लेकिन इस कोशिश में मुंबई का रन रेट काफी धीमा हो गया। दोनों मौका मिलने पर गेंदों को सीमा रेखा के पार जरूर पहुंचा रहे थे, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था। जब यह लग रहा था कि अब दोनों के बीच की साझेदारी मुंबई को एक बड़े टोटल तक ले जाएगी, तभी कृणाल रवि बिश्नोई की फिरकी के जाल में फंस गए। अब मुंबई को बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी थी कृणाल पांड्या के छोटे भाई हार्दिक पांड्या के कंधों पर, लेकिन उस दिन हार्दिक के कंधे यह बोझ नहीं उठा सके और 8 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। इसके अगले ही ओवर में डिकॉक भी चलते बने। उस दिन वो मुंबई के इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने अर्धशतक जड़ा था। अब मैदान पर थी खतरनाक करन पोलार्ड और कुल्टर नाइल की जोड़ी, ये दोनों अपने बेरहम खेल के लिए जाने जाते हैं। उस दिन वक्त की मांग भी यही थी, पोलार्ड ने आते ही आते अपना बल्ला भाजना शुरू कर दिया। उन्होंने 12 गेंदों में 34 रन ठोक दिए, इसमें 4 गगनचुंबी छक्के तो एक चौका शामिल था। भला नाइल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 12 गेंदों में 4 चौकों की मदद से अपने और मुंबई के खाते में ताबड़तोड़ 24 रन जोड़ दिए। दोनों ने मिलकर आखिरी 21 गेंदों में
57 रन ठोक दिए थे। 20 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर था 176, यानी किंग्स इलेवन पंजाब को ये मैच जीतने के लिए चाहिए थे 177। पंजाब की पारी शुरू करने के लिए क्रीज पर उतरे मयंक अग्रवाल और केएल राहुल। इस मैच में दोनों से एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी, लेकिन महज 33 रन के स्कोर पर मयंक राहुल का साथ छोड़ चले। अब मैदान पर उतर चुके थे आईपीएल इतिहास के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक क्रिस गेल। क्रिस गेल ने संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वो गियर बदलते राहुल चाहर ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। अब पंजाब का स्कोर था 9.1 ओवर में 75 रन और 2 विकेट। हालांकि केएल राहुल एक छोर पूरी मजबूती से संभाल रहे थे और गेल के बाद उनका साथ देने आए एक और धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पूरन। पूरन ने आते ही आते अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। पूरन ने महज 12 गेंदों में 2 चौकों और 2 गगनभेदी छक्कों की मदद से 24 रन जड़ दिए, और जब लगने लगा कि आज वो मुंबई के गेंदबाजों के धागे खोल के ही मानेंगे, तभी बुमराह ने उन्हें आउट करके मुंबई के फैंस को एक बार फिर से बूम बूम करने का मौका दे दिया। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल बिना समय गवाए और बिना किसी को तकलीफ दिए 0 के स्कोर पर पवेलियन हो लिए। उधर राहुल ने अपना खेल जारी रखा था, उन्होंने क्यों गेंदों पर ही 77 रन बना डाले। ऐसा लगने लगा था कि आज वो पंजाब को जिताकर ही लौटेंगे, लेकिन तभी बुमराह की एक सनसनाती गेंद राहुल का विकेट ले उड़ी। अब मैच जिताने की जिम्मेदारी थी दीपक हुड्डा और क्रिस जॉर्डन के कंधों पर। हुड्डा और जॉर्डन मैच को आखिरी ओवर तक ले गए। पंजाब को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे और गेंदें बची थी 6। आखिरी ओवर करने के लिए तैयार थे ट्रेंट बोल्ट और सामने थे दीपक हुड्डा। वैसे ये भी एक पहेली है कि मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने क्या सोचकर बोल्ट के हाथों में गेंद सौंपी थी, क्योंकि उस रात अभी तक बोल्ट सबसे महंगे बॉलर साबित हुए थे। पहली गेंद पर हुड्डा ने शानदार शॉट चढ़ा, लेकिन कोल्टन आयल की जबरदस्त फील्डिंग के चलते पंजाब के खाते में महज एक ही रन जुड़ सका। अगली गेंद बोल्ट ने सटीक यॉर्कर डाली, लेकिन गेंद जॉर्डन के बल्ले को छूकर सीमा रेखा के पार चली गई। अब पंजाब को जीतने के लिए 4 गेंदों पर 4 ही रन चाहिए थे। मैच काफी हद तक पंजाब की ओर मुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली 3 गेंदों पर 2 ही रन बन सके। अब गेंद थी केवल 1 और जीत के लिए रन बनाने थे 2। अगली और आखिरी गेंद दोनों ही टीमों के लिए जीत या हार तय करने वाली थी। दोनों ही टीमों के फैंस की धड़कनें बढ़ चुकी थी, दर्शकों के रोंगटे खड़े हो चुके थे, खुली उंगलियां बंद मुट्ठी में तब्दील हो चुकी थी। और फिर वो आखिरी गेंद, जॉर्डन ने बल्ला घुमा दिया और दौड़ पड़े 2 रन लेने के लिए। हुड्डा और जॉर्डन ने बड़ी फुर्ती से 1 रन पूरा किया, और इस बीच गेंद पोलार्ड के बीच पहुंच चुकी थी, और पोलार्ड ने पूरी जान लगाते हुए अपने अंदर की पूरी फुर्ती झोंकते हुए गेंद विकेट कीपर डीकॉक की ओर फेंक दी। इधर जॉर्डन डेंजर एंड पर दूसरा रन लेने के लिए बढ़ चले थे। गेंद और जॉर्डन दोनों एक ही दिशा में पूरी तेजी से भागे जा रहे थे। आखिर जीत हार का फैसला इसी रेस से होना था, और आखिरकार इस रेस में जीत हुई गेंद की। जॉर्डन के क्रीज तक पहुंचने से पहले डीकॉक गिल्लियां उड़ा चुके थे। अब किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर था 176 रन 6 विकेट। मजे की बात यह कि मुंबई इंडियंस ने भी इतने रन इतने ही विकेट खोकर बनाए थे, और दोनों ही टीमों के फैंस सन्न थे। मैच टाई हो चुका था, और नियमों के तहत अब मैच का फैसला सुपर ओवर से होना था। मुंबई इंडियंस की तरफ से सुपर ओवर में बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली जसप्रीत बुमराह ने। वहीं पंजाब की तरफ से बैटिंग के लिए क्रीज पर मौजूद थे केएल राहुल और निकोलस पूरन। बुमराह की गेंदों पर बड़े शॉट लगाना दुनिया के किसी भी बैटर के लिए आसान काम नहीं है। यहाँ भी यही हुआ, बुमराह ने इस ओवर में 2 विकेट तो चटकाए ही, रन भी केवल 5 ही दिए। अब मुंबई को जीत के लिए 6 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। पंजाब की तरफ से बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली मोहम्मद शमी ने। बुमराह अपना काम कर चुके थे, और अब बारी थी शमी की। देखना था कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला था। शमी की गेंदों का सामना करने के लिए क्रीज पर थे डीकॉक और रोहित शर्मा। शमी की अगली गेंद आग उगल रही थी। जब पहली 3 गेंदों पर केवल 3 रन बने थे, तभी लग गया था कि मुंबई के लिए 6 रन बनाना भी आसान नहीं होने जा रहा था। और अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए मुंबई को बनाने थे 2 रन, सामने थे डीकॉक। आखिरी गेंद को खेलते ही डीकॉक दौड़ पड़े दूसरा रन पूरा करने के लिए। जब तक वो क्रीज पर पहुंचते, तब तक केएल राहुल ने जबरदस्त स्टैंपिंग करके उनका काम तमाम कर दिया। यानी सुपर ओवर में पंजाब के 5 रनों के जवाब में मुंबई भी 5 ही रन बना सकी, और इस तरह मैच एक बार फिर टाई हो चुका था। आईपीएल के इतिहास में पहली बार सुपर ओवर टाई हुआ था, और अब आईपीएल के इतिहास में पहली बार होने जा रहा था दूसरा सुपर ओवर। दर्शकों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी वो अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सच है। दर्शकों की सांसें धौकनी से भी तेज चल रही थी। कितनों ने अब तक अपने नाखून चबा रखे थे। दर्शक रोमांच के मारे अपने सीटों पर खड़े हो चुके थे। क्रिकेट में रोमांच अपने चरम पर था। दोनों ही टीमें किसी भी कीमत पर ये मैच हारने को तैयार नहीं थी। दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब जो होने जा रहा था वो ना तो पहले कभी हुआ था, ना निकट भविष्य में जल्दी होने की उम्मीद है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि दूसरे सुपर ओवर में बॉलर या बैटर कोई भी रिपीट नहीं किया जा सकता, इसलिए मुंबई की ओर से बैटिंग करने उतरे हार्दिक पांड्या और कायरन पोलार्ड, और पंजाब की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभाली क्रिस जॉर्डन ने। इस ओवर में मुंबई 11 रन बनाने में सफल रही, यानी पंजाब को ये मैच जीतने के लिए 6 गेंदों में 12 रन बनाने थे। जिस तरह से मैच चल रहा था उसमें कोई शक नहीं था कि अगली 6 गेंदों में इस मैच का विजेता मिल ही जाएगा, या फिर अभी एक और सुपर ओवर इंतजार कर रहा था। पंजाब के लिए बैटिंग करने उतरे क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल, और गेंद थी ट्रेंट बोल्ट के हाथों में। बोल्ट ने पहली गेंद फुल टॉस डाली और क्रिस गेल ने
गगन भेदी छक्का जड़ दिया। अब पंजाब को अगली 5 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर एक ही रन बन सका, लेकिन तीसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने करारा चौका जड़ दिया। अब 11 रन बन चुके थे और 3 गेंदें अभी भी बाकी थी। पंजाब को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए थे, लेकिन मयंक अग्रवाल अब मैच को ज्यादा खींचने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने चौथी गेंद पर एक और चौका जड़कर मैच पंजाब की झोली में डाल दिया। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक मैच की कहानी। हम इस सीरीज के तहत आपको ऐसे ही जबरदस्त मैचों की कहानी सुनाते रहेंगे। इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पर रिस्पांस अच्छा रहा तो सीरीज का अगला पार्ट भी हम जल्द ही लेकर के आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।